Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, today we will discuss about the NCERT exemplar questions of chapter natural resources, and in today's video we will discuss about the MCQs question. So let's start the questions. First question is, the atmosphere of the earth is heated by the radiations which are mainly. यहाँ पे पूछा गया है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हीट होता है कुछ रेडिएशंस की वजह से, और वो मेनली किस तरीके की रेडिएशंस होती हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज re-radiated by the land and water. So the temperature on the earth is increased, or we can say that atmosphere is get heated by the re-radiated radiations of the land and water. Because हमें पता है कि सन से जो radiations आ रही हैं, सन से जो radiations आती हैं वो land के ऊपर आती हैं, and out of these radiations some radiations are reflected back. कुछ radiation जो है वो re-radiate हो जाती हैं, फिर से radiate होके atmosphere के अंदर ही चली जाती हैं, and these are the radiations which are re-radiated by the land and water. दोनों ही sources से re-radiation हो सकता है, and this is the main cause to increase the temperature in the earth atmosphere. So correct option is option D. Next question is, if there were no atmosphere around the earth the temperature of the earth will. अगर अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर ना हुआ तो उस टाइम पे अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीज ड्यूरिंग द डे एंड डिक्रीज ड्यूरिंग द नाइट. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रीजन, क्यों हमने ऐसा कहा है. अगर अर्थ के ऊपर कोई टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, सपोज जब अर्थ के ऊपर रेडिएशंस आ रही हैं, सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक बीच में, दिस इज द अर्थ, बीच में कोई भी एटमॉस्फेयर की लेयर अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऑल द रेडिएशंस विल कम डायरेक्टली ऑन टू द अर्थ, डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आएंगी. तो ड्यूरिंग डे टाइम जो होगा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, एंड एट द नाइट व्हेन दिस रेडिएशंस विल गो बैक और दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ड्यूरिंग द नाइट, देन ऑल्सो दे विल बी नॉट प्रिवेंटेड बाय एनी लेयर. सो ऑल द रेडिएशंस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक. सो द टेम्परेचर विल डिक्रीज ड्यूरिंग द नाइट. सो एटमॉस्फेयर जो है, अर्थ की जो लेयर है एटमॉस्फेयर के फॉर्म में, वो दिन में रेडिएशंस को, पूरी रेडिएशंस को अर्थ पे आने से रोकती है ताकि टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, और रात को बाहर जाने से उनका एस्केप जो है रेडिएशंस का वो भी प्रिवेंट करती है ताकि टेम्परेचर डिक्रीज ना हो. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ all the oxygen present in the environment is converted to the ozone. अगर atmosphere में present सारी की सारी oxygen ozone में convert हो जाएगी तो क्या situation create होगी. So options है, it will be protected more, it will be become poisonous and kill living form, ozone is not stable hence it will be toxic, it will help harmful sun radiation to reach earth and damage many life form. So the correct answer of this question is oxygen. पहले हम देखते क्या है. ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज द डाई एटोमिक स्ट्रक्चर वेयर एज द ओजोन इज द ट्राई एटोमिक स्ट्रक्चर, एंड द ओजोन इज अ पॉइजनस गैस. ओजोन जो होती है वो एक पॉइजनस गैस होती है. इट कैन डैमेज व्हेन इट इज इनहेल्ड, अगर इसे हम इनहेल करेंगे इट कैन डैमेज आवर लंग्स, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड इट इवन कॉज द डिफरेंट डिजीजेज ऑल्सो बिकॉज इट्स बिहेव लाइक अ वीक म्यूटाजन. ये म्यूटेशन भी कॉज कर सकता है जिसकी वजह से बहुत सारी क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं. सो इफ ऑल द ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू द ओजोन दैट देन व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम टॉक्सिक एंड इट विल कॉज द किल ऑफ द लिविंग फॉर्म्स. तो ये सभी के सभी लिविंग फॉर्म्स को, लाइफ फॉर्म को किल कर सकती है. तो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी. ये होगा हमारा करेक्ट आंसर. Next question number 4. One of the following factors does not lead to the soil formation in the nature. यहाँ पे कुछ factors दिए गए हैं like the sun, water, wind, polythene bags. Out of these factors we have to find कौन सा फैक्टर ऐसा है जो सॉइल फॉर्मेशन में काम नहीं आता. सो वी नो दैट टेम्परेचर वेरिएशंस ड्यू टू द रेडिएशन फ्रॉम द सन, रेन वाटर एंड विंड. कौन कौन से हमने बात की है, टेम्परेचर, रेन वाटर, वाटर इंक्लूड कर सकते हैं हम, एंड द विंड. दीज आर द सम मेजर फैक्टर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द रॉक्स. इन फैक्टर्स की मदद से सॉइल फॉर्मेशन होता है, बट द पॉलिथीन बैग इज नॉट अ फैक्टर. पॉलिथीन बैग कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो सॉइल फॉर्मेशन में काम करे. इवन पॉलिथीन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विच डू नॉट अंडरगो डिकम्पोजिशन और विदरिंग. सो दीज आर कंसिडर्ड एज पॉल्यूटेंट. ये क्या होते हैं, ये होते हैं पॉल्यूटेंट, एंड दे they decrease the quality of the soil. So correct answer is option D. ये फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 5, द टू फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल और फाउंड इन द एटमॉस्फेयर आर. Oxygen can be found into the two forms, one in the form of ozone and another one is in the form of oxygen. As we already discussed, oxygen is the diatomic structure, whereas the ozone is the triatomic structure. And this ozone is found, it's not stable onto the earth. It's found almost 18 to 50 kilometer above in the atmosphere in a layer which is known as stratosphere. So जो ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर एंड दिस लेयर इज नोन एज द ओजोन स्फीयर और ओजोन शील्ड. सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Now move on to the next question. Question number 6 is the process of nitrogen fixation by bacteria does not take place in the presence of. ये बहुत important question है. This is very important question. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसे कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियाज करते हैं जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कहते हैं. एग्जाम्पल राइजोबियम. अब यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से किस की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस नहीं होगी. सो द करेक्ट आंसर विल बी द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. क्यों हमने ऐसा कहा, अब इस चीज़ को समझ लेते हैं. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, दीज बैक्टीरिया आर बेसिकली एनारोबिक बैक्टीरिया. दे डू नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इन्हें नहीं चाहिए होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए. एंड टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी दे हैव लेग हीमोग्लोबिन. लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन इनके अंदर प्रेजेंट रहता है और ये जो प्रोटीन है ये इन्हें हेल्प करता है ऑक्सीजन से मीन्स ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स की तरह काम करता है ताकि इन्हें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना रहे. बट इफ ऑक्सीजन गेट अवेलेबल देन दीज बैक्टीरियाज आर नॉट एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज रेनफॉल पैटर्न डिपेंड्स ऑन. जो रेनफॉल का पैटर्न होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है. करेक्ट ऑप्शंस आर द अंडरग्राउंड वाटर टेबल, द नंबर ऑफ वाटर बॉडीज इन एन एरिया, द डेंसिटी पैटर्न ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन एन एरिया एंड प्रिवेलिंग सीजंस इन एन एरिया. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ वाटर बॉडीज इन एन एरिया. ये एक ऐसा फैक्टर है जो रेनफॉल के पैटर्न को के ऊपर इसके ऊपर रेनफॉल पैटर्न डिपेंड करता है. ऐसा हमने क्यों कहा, रीजन इज द पैटर्न ऑफ रेनफॉल ऑफ एन एरिया और ए रीजन आर डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेनफॉल के पैटर्न को डिसाइड करते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेपर्स, कितनी वाटर वेपर्स अवेलेबल है, और द एरिया ऑफ लो प्रेशर और द विंड पैटर्न ऑल्सो. सो जो वाटर वेपर्स की अवेलेबिलिटी है इट विल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वाटर बॉडीज. कितनी वाटर बॉडीज एरिया में अवेलेबल होगी उतने ही हाई अमाउंट में वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर. सो दिस विल बी द करेक्ट रीजन विल अफेक्ट द रेनफॉल पैटर्न इन अ पर्टिकुलर रीजन. इसके अलावा कोई और जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है जो रेनफॉल को अफेक्ट करे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द गिवन ऑप्शन विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. दिस इज रिलेटेड विद द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. फर्स्ट, दे आर इको फ्रेंडली. यस, दिस इज नॉट रिलेटेड, हमें नॉट करेक्ट बताना है. सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे सामने आ गया कि जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स होते हैं दीज आर नॉट इको फ्रेंडली. दे आर कंसिडर्ड एज द पॉल्यूटेंट्स. व्हेन दे आर यूज्ड इनटू द एक्सेसिव अमाउंट दे कैन टर्न द सॉइल एसिडिक. ये सॉइल पॉल्यूशन भी कॉज कर सकते हैं, सॉइल को एसिडिक या अल्कलाइन बना सकते हैं. उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करने का काम करेंगे जिसकी वजह से सॉइल भी बैरन सॉइल हो सकती है. सो दे आर नॉट इको फ्रेंडली. उसके अलावा जो ऑप्शंस दिए हुए हैं दीज आर ट्रू. दे टर्न द फील्ड बैरन आफ्टर सम टाइम, दैट्स ट्रू. दे एडवर्सली अफेक्ट द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द सॉइल, यस, बिकॉज दे कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं. दे डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी, यस, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी. सो करेक्ट आंसर इज दे आर इको फ्रेंडली. ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है इन रेफरेंस टू फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट. नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस ये वाला भी ऑप्शंस है. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या हो रहा है, जो कन्वर्जन होता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट का वो किस तरीके से होता है. So we know that this process is a biological process. ये जो process है एक biological process है and this biological process happens with the help of nitrogen fixing bacteria. So correct option is A. Biological process of nitrogen fixing bacteria present into the soil. So हमारे सामने है correct option. Next option जैसे कि biological process of carbon fixing factors is not related with the nitrogen fixation. यहाँ पे industrial manufacturing के बारे में भी बताया गया है. Industrial जो manufacturing है this is also not related. ये भी एक एटमॉस्फेयर में होने वाली प्रोसेस नहीं है. द प्लांट्स यूज्ड एज अ सीरियल क्रॉप्स, यस जो प्लांट्स जो सीरियल क्रॉप्स हम बोलते हैं सीरियल क्रॉप्स आर नॉट डायरेक्टली एबल टू कन्वर्ट द नाइट्रेट नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स. दे रिक्वायर्ड पर्टिकुलर बैक्टीरिया एज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए. इट्स एन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज One of the following process is not a step involved into the water cycle. इनमें से एक step ऐसा है जो water cycle का process नहीं है. हमें पता है continuous circulation of the water between the living and non-living component of a biosphere is known as water cycle. और इसके अंदर जो steps होते हैं उसमें evaporation होता है, transpiration होता है, precipitation भी होता है. But photosynthesis is not the part of water cycle. Photosynthesis water cycle का part नहीं होता. Next question. Question number 11. The term water pollution can be defined in several ways. Can be defined into the several ways, which are which of the following statement does not give the correct definition. हमें यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो वाटर पॉल्यूशन है उसे हम डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वाटर पॉल्यूशन की करेक्ट डेफिनेशन नहीं दे रहा है. सो करेक्ट ऑप्शन, लेट्स सी कौन सा ऑप्शन सही होगा. द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडी, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस, अगर हम वाटर बॉडी से डिजायरेबल सब्सटेंस को रिमूव कर देंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा. द चेंज इन द प्रेशर ऑफ द वाटर बॉडीज, यस दिस इज नॉट रिलेटेड. चेंज का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है वाटर पॉल्यूशन से. चेंज इन द टेम्परेचर ये रिलेटेड होगा क्योंकि टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज हो जाता है, थर्मल पॉल्यूशन जिसे हम बोल सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से भी पॉल्यूशन हो सकता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज द चेंज इन द प्रेशर ऑफ वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज में अगर चेंज हो रहा है प्रेशर के अंदर तो उसे हम किसी भी तरीके से पॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस. इनमें से हमें बताना है ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी नहीं है. वी नो डिफरेंट गैसेज लाइक CO2, मीथेन दैट इज CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज CFC, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और कार्बन मोनोऑक्साइड. दीज गैसेज आर कंसिडर्ड एज द ग्रीन हाउस गैसेज. इन गैसेज को हम ग्रीन हाउस गैसेज कंसिडर करते हैं, आउट ऑफ विच द अमोनिया इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज. सो करेक्ट आंसर इज अमोनिया. अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इनटू द कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल में इन्वॉल्व स्टेप कौन सा नहीं है. ऑप्शन दिए गए हैं फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, respiration and burning of fossil fuel. We know that movement of carbon through the living and non-living component of a biosphere is called the carbon cycle, and the carbon is present in the form of CO2. CO2 की form में carbon जो है वो air में present है. This CO2 in the atmosphere, ये CO2 जो होती है वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होती रहती है. सो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दिस ऑल आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इनटू द कार्बन साइकिल. ये सभी के सभी स्टेप जो हैं वो कार्बन साइकिल में इन्वॉल्व हैं. बट जो ट्रांसपिरेशन है दिस is not process involved into the carbon cycle. Transpiration is the process where we can say that is the loss of excess water through the leaves of the plant. So this is not part of the carbon cycle. So correct answer is option B, transpiration. क्वेश्चन नंबर 14. ओजोन होल्स मीन. ओजोन होल का मतलब क्या है. ऑप्शंस है a large size hole in the ozone layer, thinning of the ozone layer, or small holes scattered in the ozone layer, or thickening of the ozone in the ozone layer. So correct answer is option B, thinning of the ozone layer. Ozone layer की जो thinning होनी है इसी process को हम ozone होल कहते हैं. ओजोन होल जो है वो ओजोन लेयर के अंदर बन रहा है, जो कि सबसे पहले देखा गया था अंटार्कटिका रीजन में in the year that is 1985. It was observed into the Antarctica in 1985, and this ozone hole is caused due to the destroying of ozone when ozone के साथ different harmful gases chlorofluorocarbon etc react करती हैं तो ozone को destroy करती हैं जिसकी वजह से ozone जो layer है वो weak होती जा रही है. So this type of substances which are responsible for destroying these ozone layers are known as ODS ozone depleting substances. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो ओजोन लेयर को थिन कर रहे हैं और इसी को हम ओजोन होल कहते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है. दैट इज द सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ. अभी हमने डिस्कस किया है उसी तरीके का चीज है यहाँ पे भी. द ओजोन इज डिप्लीटेड जस्ट मिनट यस ओजोन इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ ओजोन का डिप्लीशन जो हो रहा है वो किस रीजन से हो रहा है. एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, एक्सेसिव यूज ऑफ मैन मेड कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ फ्लोरीन एंड द क्लोरीन एंड एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Excessive use of man-made fluorine and chlorine. So we know that ozone-depleting substances, जैसे कि हमने अभी देखा, CFC is also an ozone-depleting substance है, जिसमें chlorine और fluorine जो present होते हैं, they can react with the ozone. ये ozone के साथ react करते हैं, जो कि ozone layer में present हैं, and they will means responsible for getting depleting the ozone layer. So correct answer is option C. Question number 16. Which of the following is recently originated problem of environment? Ozone layer depletion, greenhouse effect and global warming or all of the above? We know all of these above problems are related with the environment and these are the recently अभी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके इंक्रीज होने की वजह से डेवलप हुई प्रॉब्लम्स है. ओजोन लेयर डिप्लीशन वी नो इट्स आल्सो ड्यू टू द पॉल्यूशन जहाँ पे ओजोन लेयर के अंदर ओजोन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इंक्रीजिंग the temperature, greenhouse and global warming. This is the condition where the temperature on the earth atmosphere is increased due to the presence of high amount of pollutants like greenhouse gases, CO2, methane etc. and the global warming is also increased temperature onto the earth surface. So ये जितनी भी problems है all these are recently originated problem of environment. So correct answer is option D. Now let's move on to next question. That is the question number 17. When we breathe in air, nitrogen also goes inside along with the oxygen. What is the fate of the nitrogen? That's true. We know that nitrogen is present in the air at very high amount. Almost 78% of the air is formed of nitrogen. हमारे एयर के अंदर 78% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. तो जब भी हम इनहेल करेंगे एयर को हम अंदर लेके जाएंगे तो नाइट्रोजन भी साथ जाएगी. बट इस नाइट्रोजन का होता क्या है ये पूछा गया है. सो दिस नाइट्रोजन इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. ये जो नाइट्रोजन है इट्स comes out with the CO2 during the exhalation. ये जो नाइट्रोजन है this is inert gas. It's do not used up by the human body. ये human body के थ्रू यूटिलाइज नहीं की जाती. तो जितनी भी नाइट्रोजन जो हमने absorb की है inhale की है air के साथ that will come out with the CO2 when we exhale the air. So it will comes out. So correct option is option B. Question number 18. टॉप सॉइल कंटेन द फॉलोइंग. टॉप सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ये हमें बताना है. टॉप सॉइल्स कंटेन ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, ह्यूमस एंड सॉइल पार्टिकल्स ओनली, ह्यूमस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स एंड next is humus living organisms and soil particles. So we know that top soils soil profile को अगर हम देखते हैं तो different zones जो बनते हैं उसमें जो सबसे ऊपर का zone होता है जिसमें top soil present है वो darker color का होता है and it contain the different substances like humus living organisms and soil particles. So we can say that our plants also. So we can say that correct option will be this option. Humus, living organisms and soil particles and some plants. Plants we can also include. Plants are also present. So these two could be the correct answer. These are present into the top soil of the upper layer of the soil. So these are present into the top soil. Now come on to the next question. Question number 19 is there. Choose the correct sequence. हमें correct sequence बताना है and इसको देखने से ही हमें पता चल गया है. This is about the carbon cycle. ये कार्बन साइकिल का सीक्वेंस है जिसमें हमें करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है. हियर वी कैन से दैट CO2 इज कमिंग प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर देन इट्स कन्वर्टेड बाय द प्लांट्स into the organic carbon form, then it goes to the animal, ये animal के अंदर जाता है, then from animals is come back into the soil. So हमें पता है CO2 जो air के अंदर present है, इस CO2 को plants fix करते हैं by the process of photosynthesis and they form the sugar or the carbohydrate. This carbohydrates now go back into the or goes into the body of animals. ये animals की body में जाता है and after the death of the animals, this carbon goes into the soil. So this is the carbon cycle. This option number B, it shows the correct sequence of the carbon cycle. Next question. क्वेश्चन नंबर 20 इज देयर मेजर सोर्स ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल इज. मिनरल्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है यहाँ पे हमारे पास वो कौन सा है हमें ये बताना है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज पेरेंट रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड. सेकंड प्लांट्स एनिमल एंड बैक्टीरिया. सो वी नो दैट रिच और मेजर सोर्स ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल इज द पेरेंट रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है मिनरल्स का वो है पेरेंट रॉक जिससे कि सॉइल फॉर्म हुई है. We know that rocks undergo the process of weathering. It can be the process by the process of physical. ये process physical भी हो सकती है, chemical भी हो सकती है और biological भी हो सकती है. किसी भी तरीके की process के through जब weathering होती है, जब एक rock है वो convert होती है soil के अंदर, तब हमें soil मिलती है. And this minerals, the source of the minerals is parent rock from which this soil is formed. So जो भी parent rock के अंदर present होंगे minerals वही हमें soil में मिलेंगे. So answer is option A. Next 21 number question, total अर्थ सरफेस कवर्ड बाय द वाटर इज. अर्थ के ऊपर कितने अमाउंट में वाटर कवर्ड है. वी नो दैट आंसर ऑफ दिस इज द 75%. द 75% पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर, आउट ऑफ विच वी कैन से दैट 97.5% ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ इज फाउंड इन टू द सी एंड ओशंस इन द फॉर्म ऑफ सलाइन वाटर. सो जो 97.5% वाटर जो है वो तो सलाइन वाटर है. रिमेनिंग 2.5% वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर की फॉर्म में. इट्स अ फ्रेश वाटर एंड मेजोरिटी ऑफ इट लाइक 2% इज इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन वाटर इन द आइस कैप्स ऑफ द poles, and the remaining 0.6% of the total water is available for the terrestrial life, for the support of terrestrial life. So बहुत कम अमाउंट में वाटर हमें अवेलेबल है, बट अर्थ सरफेस जो है वो 75% तक कवर है वाटर के साथ. Next option question is question number 22. Biotic component of biosphere is not constituted of. हमें biotic component बताना है कि कौन सा biotic component जो है वो part नहीं है biosphere का. Producers, consumers, decomposers, all these are the part of biotic community या biotic components का part होते हैं. Whereas the abiotic component, it comprises the air, water, sunlight. So air, water and sunlight, these are the abiotic component of the atmosphere. ये abiotic component का part है. So correct answer is option number D. बाकी ये तीनों के तीनों जो हैं वो biotic component का part होता है. हमें यहाँ पे not लिखा है ना, तो हमें ये देखना था कि कौन सा biotic component नहीं है. Question number 23. An increase in the carbon dioxide content in the atmosphere would not cause. इनमें ये कहा गया है कि अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें से वो क्या कॉज नहीं करेगा. फर्स्ट ऑप्शन मोर हीट टू बी रिटेन्ड बाय द एनवायरमेंट, इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ग्लोबल वार्मिंग एंड अबंडेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट. ओके, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का लेवल इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में CO2 प्रेजेंट है अगर एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हमें पता है दिस CO2 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर जो है वो तो इंक्रीज हो जाएगा. मोर हीट बी रिटेन बाय द एनवायरमेंट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये तो होगा ही. सेकेंड इंक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. यस, एज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज अवेलेबल द प्लांट विल यूटिलाइज इट एंड दे डू द फोटोसिंथेसिस. तो ये भी करेक्ट है. ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट विल कॉज द ग्लोबल वार्मिंग. But the last option, which is the abundance of desert plant, is not true. Desert plants का amount increase हो जाए, ये correct option नहीं है. CO2 का increase होना desert plant का number increase करने से related नहीं है, because the desert plants do not only require the CO2. इनको सिर्फ CO2 चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. They also require the water and oxygen etc. So this option is not connected with this situation. So right option is option number D. Next question, question number 24. Oxygen is returned to the atmosphere mainly. Oxygen जो है वो एटमोसफेयर के अंदर वापस कैसे जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड इज फोटोसिंथेसिस एंड फोर्थ इज बाय द फंगाई. सो दिस इज वेरी सिंपल question and I hope you will give the answer of this question. So please give me this question by writing in the comment box with your name and class. I will wait for your responses. Next question, question number 25. Low visibility during the cold weather is due to. कोल्ड वेदर के टाइम पे जो विजिबिलिटी कम हो जाती है उसका रीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, नो. अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और हाइड्रोकार्बन सस्पेंडेड इन द एयर. दिस इज द करेक्ट आंसर. वी नो दैट लो कम जो सर्दी के टाइम पे, विंटर के टाइम पे लो विजिबिलिटी हो जाती है कोल्ड वेदर जब होता है, जब अनबर्न्ड पार्टिकल कंप्लीटली बर्न नहीं हुए जो कार्बन पार्टिकल अगर वो एयर के अंदर प्रेजेंट है जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, व्हेन दे मिक्स विद द वाटर, बिकॉज ड्यूरिंग द कोल्ड एनवायरनमेंट, कोल्ड टेम्परेचर, वाटर ऑल्सो कैन बी फ्रीज, वाटर भी कंडेंस हो सकता है एयर के अंदर. व्हेन दिस अनबर्न पार्टिकल मिक्स विद द वाटर दे प्रोड्यूसेस द स्मोक. तो इस टाइम पे जो कंडीशन क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं स्मोक. सो ड्यू टू द प्रेजेंस स्मोक द विजिबिलिटी बिकम्स वेरी लो. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ लाइकेन्स ऑन अ बैरन रॉक इज फॉलोड बाय द ग्रोथ ऑफ. बैरन रॉक मतलब एक न्यू रॉक है जिसके ऊपर कोई भी प्लांट अगर ग्रो नहीं कर रहा, वहाँ पे सबसे पहले जो ग्रोथ होती है वो लाइकेन्स की होती है. बिकॉज जो लाइकेन्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स का सीक्रेशन करते हैं, और जब ये एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इन एंजाइम्स की वजह से, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंजाइम या एसिड, लाइक कार्बोनिक एसिड, दे सीक्रेट मेनली द कार्बोनिक एसिड. सो लाइकेन सीक्रेट्स द कार्बोनिक एसिड, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रॉक है वहाँ पे थिन लेयर फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, एंड दिस मीन्स दिस प्रोसेस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉसिस और डेवलपमेंट ऑफ मॉसिस. उसके बाद वहाँ पे मॉसिस की डेवलपमेंट होती है, and this mosses will penetrate the rocks and cause the rocks to break up further. So we can say that the growth of lichens or barren rock is followed by the growth of mosses. तो पहले lichens grow करेंगे, lichens के बाद वहाँ पे growth होगी mosses की, और mosses के बाद वहाँ पे बाकी different types के plants की growth start हो जाती है. So correct answer is option number A. Question number 27. Marked temperature change in the aquatic environment can affect. टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है किसी एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर तो वो कैसे अफेक्ट करेगा, वो किस चीज़ को अफेक्ट करेगा? सो ऑप्शंस आर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, मोर ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन एनिमल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इन सम वेज इट विल अफेक्ट ऑल दीज प्रोसेसेस, सभी प्रोसेसेस को ऑलमोस्ट अफेक्ट करेगा. बट व्हेन वी गो टू द एप्रोप्रिएट आंसर से द टेम्परेचर इंक्रीज विल अफेक्ट द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल. ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन. सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, सपोज एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे अगर हाई अमाउंट में वाटर इंडस्ट्रीज ने इसमें बहुत में और यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, एंड इस तरीके के पॉल्यूशन को हम थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं. एंड दिस हाई टेम्परेचर इंक्रीज विल अफेक्ट देयर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. इस एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से इमेच्योर एग्स का जो फॉर्मेशन होगा, एग्स विल रिलीज्ड आउट, दे विल बी द इमेच्योर एग्स, एंड इट कैन प्रिवेंट द नॉर्मल डेवलपमेंट, और नॉर्मल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा. सो वी कैन से मोस्ट अप्रोप्रिएटली दे विल अफेक्ट द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल्स ब्रीड नहीं कर पाएंगे. पर एक दूसरे इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज जो होगा वो उनके एंजाइम्स को अफेक्ट करेगा, एंजाइम अफेक्ट करेगा तो न्यूट्रिशन प्रोसेस भी अफेक्ट हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है. बट मोर अप्रोप्रिएट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय. इरोजन को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? सॉइल इरोजन प्रिवेंटेड बाय फॉरेस्ट. जितने भी ऑप्शन है, लाइक डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, इंक्रीज द सॉइल इरोजन, ये सब सॉइल इरोजन को इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स हैं. बट करेक्ट आंसर दैट इज रिटर्न हेयर इज द फॉरेस्ट. अगर हम फॉरेस्ट के नंबर को इंक्रीज करते हैं देन इट कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट हैपन्स व्हेन रेन फॉल सॉइल विदाउट वेजिटेशनल कवर. जब सॉइल ऐसी सॉइल है जहाँ पे कोई भी वेजिटेशनल नहीं है, यानी कि कोई भी प्लांट सॉइल के ऊपर, वहाँ पे जब रेन आएगी तो क्या हो जाएगा? तो हमें पता है प्लांट्स का काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन. वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. इस तरीके की सॉइल पे आती है तो रेन वाटर कॉज द लॉस ऑफ सरफेस सॉइल। सो सरफेस सॉइल जो होगी वो फ्लो ऑफ हो जाएगी, साथ में बह के चली जाएगी लेयर रेन के साथ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन that is question number 30 and it's our last question, that is oxygen is harmful for। ऑक्सीजन जो है वो हार्मफुल है किसके लिए? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ये सोच भी नहीं सकते कि ऑक्सीजन किसी के लिए हार्मफुल हो सकती है, बट यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जहाँ हमें बताना है कि ऑक्सीजन इज़ हार्मफुल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर फर्न्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कारा और मैंगो ट्रीज। सो आउट ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। Oxygen is harmful for the nitrogen fixing bacteria because as we already discussed, nitrogen fixing bacteria, they do the nitrogen fixation during under the anaerobic condition। एनारोबिक कंडीशन मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बट अगर इन्हें ऑक्सीजन मिल जाए देन दे आर नॉट एबल टू डू द नाइट्रोजन फिक्सेशन। So we can say that the oxygen is harmful for the nitrogen fixing bacteria. So that's all about the MCQ question of natural resources. Thank